क्या बात है वकील साहब, अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ और हार आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए निशा जी, इस केस को जीतने के बाद इस घर में जो खुशियां मनाई जाएंगी, उस खुशी में आप भी शामिल होइएगा। और मैं वादा करती हूँ आपसे कि उस दिन खुद किचन में जाकर आपके लिए रोटियां जरूर बेलूंगी। क्या है, आपको इन हाथों की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये हाथ घर के साथ साथ बाहर की दुनिया भी संभालना जानते हैं। एक औरत होने के नाते आपको सिर्फ इतनी सलाह देना चाहूंगी कि जाइए जाकर अपने वकीलों से बात कीजिए, समझाइए उन्हें कि सिर्फ दावा करने से 5 करोड़ नहीं मिलते, पहले जो इल्जाम लगाया है उसे साबित करना पड़ता है। आपने इल्जाम लगाया है ना मंजीत पर? अगर वो दावा साबित ना हुआ तो मेरी क्लाइंट मंजीत घीवाला आप पे और आपके हस्बैंड पर वही दावा आई थिंक अभी के लिए इतनी बातें काफी है ना, जाइए कोर्ट में मिलते हैं। अरे मैडम, ये नोटिस तो थमा दिया आपने, साइन नहीं लेंगे। वो क्या है ना, हैंड डिलीवरी तब तक एक्सेप्टेबल नहीं होती कोर्ट को जब तक रिसीप्ट पर साइन नहीं होती। क्या वकील साहब, इतनी एडवाइस नहीं दे सकते आप निशा जी को? लाइए। कोर्ट में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। तुलसी को कोई तूफान उजाड़ नहीं सकता, चाहे वो तूफान बाहर से आया हो या अंदर से।